और इस बीच एक बड़ी और दुखद खबर आपको बताने आ रही है, जहां राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन की जानकारी मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता का निधन हो गया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन की दुखद खबर मिल रही है। लंबे समय से ये बीमार चल रही थी और बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स में इनका इलाज करवाया जा रहा था और इलाज के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता का निधन हो गया बताया जा रहा है। दरअसल माता माधवी राजे सिंधिया के निधन की जानकारी मिल रही है। लंबे समय से बीमार चल रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता माधवी राजे सिंधिया, दिल्ली के एम्स में इनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान इनकी निधन की जानकारी मिल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली के एम्स में इन्होंने आखिरी सांस ली। और आपको बता दें कि राजमाता लंबे समय से एम्स में भर्ती थी, दिल्ली के एम्स में इनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता के निधन की अभी अभी जानकारी मिल रही है, बड़ी और दुखद खबर। और अभी जो मिल रही है जानकारी, लंबे समय से बीमार चल रही थी, दिल्ली के एम्स में इन्हें एडमिट कराया गया था और इस दौरान इलाज के दौरान उनकी निधन की जानकारी मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता माधवी राजे सिंधिया के निधन की मिल रही है जानकारी, एक दुखद खबर अभी अभी मिली दिल्ली से। और अभी हालांकि इस पूरे मामले में और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और हमारी संवाददाता फरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। फरा, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? फरा, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? चलिए प्रयास करेंगे फराज से हम बात करने की, संभव है कि आवाज़ अभी उन्हें नहीं मिल पा रही है। और अभी जो जानकारी फ़िलहाल मिल रही है उसके अनुसार अभी बताया जा रहा है कि दिल्ली के एम्स में वो एडमिट थी और काफ़ी समय से बीमार भी थी और इस बीमारी के चलते उन्हें दिल्ली के ऑल इंडिया में भर्ती कराया गया था और यहाँ पर अभी जानकारी मिल रही है कि उनका निधन हो गया है। और अभी जो स्थिति है, क्या कारण रहा, अभी तात्कालिक परिस्थितियां किस तरह से थी, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता माधवी राजे सिंधिया के निधन की जानकारी अभी अभी मिली है। दिल्ली में उनका एम्स में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन की जानकारी मिल रही है। एक दुखद खबर मध्य प्रदेश वासियों के लिए और ख़ास करके राजपरिवार के नज़दीक जो लोग हैं उनके लिए भी। और चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता काफ़ी समय से और लंबे समय से राजपरिवार मध्य प्रदेश में लोकप्रिय रहा है और लोगों के बारे में सोचना और ये, फरा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। फरा, अगर आवाज़ मिल पा रही है, जानकारी दीजिएगा कब ये जानकारी मिली माधवी राजे सिंधिया के निधन की। जी बिल्कुल, देखिए अभी साफ तौर पर ये पता चला है कि पिछले 3 महीने से जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माँ माधवी राजे का जो है वो एम्स में इलाज चल रहा था और उसके बाद अभी खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है। और आपको बता दूं कि वो काफी समय से वेंटिलेटर पर थी, उनकी जो तबीयत है वो अभी बीच में भी बहुत ज्यादा खराब हुई थी, जिसके बाद जो है खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके परिवार वाले जो थे वो आए थे और उसके बाद तब भी ये माना जा रहा था कि उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि एम्स ने परिवार को सूचना दी थी और उसके बाद पूरा परिवार यहाँ आया था और उसके कुछ टाइम बाद ही अभी ये जानकारी सामने आई है कि उनका निधन हो गया। देखिए 3 महीने से वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, उनकी तबीयत लगातार बार बार खराब हो रही थी और वेंटिलेटर पर उनका इलाज चल रहा था और अब ये जानकारी सामने आ रही है। बाकी अभी एम्स की तरफ से जो है वो साफ तौर पर पूरी ऑफिशियल तौर पर जानकारी सामने आना रह गई है, पूरा जो बुलेटिन होता है वो आना रह गया है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि उनका निधन हो गया है। अब जो है वो परिवार की तरफ से क्या ऑफिशियली आता है इसके लिए भी इंतजार करना होगा। ठीक है फरा, डिटेल्स के लिए आगे आपसे जानकारी लेंगे। 6 मार्च बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद से उनकी जो हालत है वो लगातार बीच बीच में बार बार नाजुक बन रही थी, जिसके बाद उनको लाइव सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया था और उसके बाद जो है वो अभी लगातार 3 महीने से जो है वो वेंटिलेटर पे थी, जिसमें बीच बीच में कई बार उनकी ऐसी स्थिति हो रही थी जिसमें डॉक्टर्स कह रहे थे कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और बार बार फैमिली को जो है
वो इन्फॉर्म किया जा रहा था। और अभी कुछ दिन पहले ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली को इन्फॉर्म किया था कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, ऐसे में डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कह दिया था कि वेंटिलेटर पर भी उनकी हालत वाइटल्स बीच में बहुत ज्यादा जो लेवल से नीचे चले गए थे और इस वजह से ज्यादा परेशानी राजमाता माधवी को हो रही थी। और अभी जो जानकारी मिल रही है फरा, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।